देश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और बेटियों को बेहतर भविष्य देने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महाराष्ट्र के एक अस्पताल ने मिसाल कायम की है। यहां बेटी होने पर डिलीवरी का पूरा पैसा माफ हो जाता है। इसके अलावा ये अस्पताल लोगों को भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूक भी कर रहा है। दरअसल पुणे के हड़पसर स्थित मैटरनिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बीते 11 सालों में 2400 से ज्यादा बच्चियों की डिलीवरी मुफ्त में की गई है। इस अस्पताल में बच्ची के जन्म लेने पर केक काटा जाता है, बेटी होने पर अस्पताल में जश्न का माहौल रहता है। कर्मियों के अलावा यहां आए दूसरे मरीज भी सेलिब्रेट करते हैं। इस दौरान अस्पताल में जब तक माँ और बेटी भर्ती रहती है उनकी खूब देखभाल होती है। इस दौरान बेड और दवाइयों की जो भी लागत आती है अस्पताल प्रशासन खुद इसका खर्च उठाता है। डॉक्टर गणेश राखी का कहना है कि कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ उनकी ये पहल 2012 में शुरू हुई थी, बाद में कई राज्य और अफ्रीकी देश इससे जुड़ते चले गए। डॉक्टर गणेश बताते हैं कि अस्पताल के शुरुआती दिनों में जब भी किसी के यहां लड़की पैदा होती थी तो परिवार वाले उसे देखने तक नहीं आते थे। लड़की होने पर अस्पताल की फीस देने से भी इनकार कर देते थे। वहीं जब लड़का पैदा होता था तो वो खुशी खुशी सब करते थे। ऐसे में हमने लड़की होने पर फीस माफ करने का फैसला लिया। फ्रॉम लास्ट 11 इयर्स वी स्टार्टेड सेव द गर्ल चाइल्ड मूवमेंट ऑन 3rd January 2012। इन दिस मूवमेंट वी वेव्स ऑल आवर हॉस्पिटल बिल्स इफ द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड। वी celebrate the birth of girl child by cutting cakes, by distributing sweets, and we felicitate the parents of girls because they born give birth to baby girls. From 11 years we are we delivered almost 2430 baby girls in our hospital. वही सकारात्मक पहल का ये नतीजा है कि आसपास के क्षेत्रों में भी कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या एक बेहद चिंताजनक विषय है। पिछले 10 सालों में कन्या भ्रूण हत्या के 6 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये किसी एक क्षेत्र, राज्य या किसी देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक सामाजिक मुद्दा है। कन्या भ्रूण हत्या मानवता और विशेष रूप से समूची स्त्री जाति के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराध है, जिसे रोकने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। ऐसे में पुणे के इस अस्पताल में बेटियों को बचाने की इस मुहिम की जितनी तारीफ की जाए कम है। इस अस्पताल की इस विशेष मुहिम के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।